A very good evening to all my SC atoms. How are you all? Can you hear me? Life में सब चंगा चल रहा है, यारी दोस्ती बंदा बंदी सब बढ़िया रहा लाइफ में, है ना। अब जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो मैम ने सोचा कि क्यों ना एक बढ़िया सा चैप्टर बहुत ही फास्ट ट्रैक रिविजन में तुम्हें करा दिया जाए। So let me formally welcome you once again to this fast track revision series for JEE Main, जहां पर I will be covering a new chapter today with the name redox reaction. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको redox reaction सब कुछ आता है, सब कुछ समझ आता है, but जब इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में देन यू आर टोटली कंफ्यूज कि क्या करें कैसे करें। सो आज की वीडियो के बाद मतलब वंस दिस 15-20 मिनट्स यू विल स्पेंड विद मी, उसके बाद कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, साथ में क्वेश्चन करने में एक डेफिनेट सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो डू नॉट वरी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, फेस पे स्माइल होनी चाहिए बिकॉज क्विकली वी विल बी स्टार्टिंग एंड कवरिंग द चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। जो मेरे SV एटम्स हैं जो मुझे जानते हैं वो तो 2 मिनट के लिए चिल मार लो बिकॉज मुझे अपने आप को बाकी SV एटम्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। सो फॉर दोज जो न्यू SV एटम्स हैं, जो शायद इस वीडियो को देखने के बाद SV एटम बन जाएं, उन सारे बच्चों के लिए एक छोटा सा मैम का इंट्रोडक्शन। गाइज माई नेम इज साक्षी बोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ IIT रुड़की। 10th, 12th, I was CBSE state topper. I was also awarded with KVPY fellowship जब मैं grade 12th में थी, and last 7 years से I have been teaching chemistry. बहुत सारे students को मैंने पढ़ाया है, online as well as offline पढ़ाने का experience है, इंडिया में भी गल्फ में भी, so खूब सारा teaching experience मैम के पास है, ठीक है। Okay. Now I will be taking 2 or 3 more minutes of yours before I step into the today's topic. उससे पहले I will tell you about the Unacademy subscription. देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो YouTube और special की classes attend करते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ YouTube की class attend करते हैं, so to them my humble request, एक बार special class attend करके देखो, तुम्हें अलग से feel आ जाएगी पढ़ाई करने की, ठीक है। और अगर उससे भी अच्छी लेवल की फील चाहिए टू स्टडी तो मतलब मेरी बात मान लो, अगर पॉसिबल है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 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 यार फेथ रख के यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ईदर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। कोई भी बच्चा अगर प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदता है ना तो मतलब तुम्हें बहुत सारे टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। नॉट ओनली मी, सो मेनी अदर टीचर्स विल बी टेकिंग क्लासेस, है ना, जहाँ पर तुम्हें प्रॉपर बैचेस अटेंड करने को मिलेंगे। अलग अलग बैच चल रहा है बहुत सारे टीचर्स का, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बैचेस ऑल्सो। अलग अलग कोर्सेज टीचर्स प्लान करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। साथ में टेस्ट सीरीज मिलती है, टेस्ट सीरीज का एक्सेस, उसके बाद जब टेस्ट हो जाता है प्रॉपर रिपोर्ट आती है, एनालिसिस रिपोर्ट आती है, डाउट रिमूवल सेशंस होते हैं, सो खूब सारी प्लस के अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो बच्चे एक एक्स्ट्रा मेंटरशिप चाहते हैं, समथिंग लाइक कि मैम हमें पढ़ाई के साथ साथ एक गाइडेंस चाहिए, जो एक टीचर हो हमारे साथ, एक गाइड हो हमारे साथ जो थ्रू आउट आवर स्टडी हमें गाइड करता रहे, उसके लिए बच्चे कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दोनों के प्राइजेस अलग अलग हैं, आई विल टेल यू द फाइनल प्राइजेस, बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग। ये कोड है साक्षी लाइव। ऑल द SV एटम्स यू शुड डेफिनेटली बी यूजिंग दिस कोड साक्षी लाइव to get a 10% discount। चाहे तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो, whether it is plus or whether it is iconic, इस स्लाइड में iconic के प्राइजेस हैं। If you use this particular code Sakshi Live, तो you will definitely be getting a 10% discount, ठीक है। ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जो पेड सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना, जो मेरे से YouTube पे पढ़ता है, स्पेशल पे पढ़ता है, बट उसके कुछ ना कुछ डाउट्स हैं जो अनक्लियर रह जाते हैं, नाउ नीड नॉट वरी फॉर दैट ऑल्सो। यू कैन ट्राई दिस न्यू फीचर ऑफ अनअकैडमी जहाँ पर यू नो यू कैन आस्क योर डाउट। अपना डाउट लो, उसकी फोटो खींचो, अपलोड कर दो एंड टीचर के पास भेज दो। उसके बाद टीचर की जिम्मेदारी, टीचर फटाफट से आंसर करके तुम्हें डाउट्स क्लियर कर देंगे। सो आई थिंक घर बैठे बैठे अगर डाउट्स क्लियर हो रहे हैं रादर देन लाइनों में लग के डाउट्स क्लियर करने के बजाय, भाई साहब दिस इज सुपर ऑसम फीचर, यू कैन ट्राई आउट दिस थिंग, ठीक है। आई टोल्ड यू राइट, अगर सब्सक्रिप्शन खरीदने में जरा सी भी दिक्कत है ना तो बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट होते रहते हैं, दिस इज वन सच टेस्ट, और बाकी सारे टेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं लास्ट में भी दूंगी, जहाँ हर संडे तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स जीतने का मौका मिलता है। सो थोड़ा सा मेरे साथ रहना लास्ट तक, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट बैचेस, व्हाट आर द टेस्ट विच यू कैन ऑप्ट फॉर टू गेट सब्सक्रिप्शंस, टू गेट द एनालिसिस, ओके। चलो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। हार्डली आई विल टेक 10-15 मिनट्स ऑफ योर्स और पूरा का पूरा चैप्टर अलोंग विद खूब सारे क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, द टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं एज अ ट्रेडिशनल टीचर बताना शुरू करूं तो जनरली हम ये सिखाते हैं, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग इट्स चेंज फ्रॉम वन स्टेट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। यू डोंट हैव टू गो टू द डेफिनेशन, मेरी बात सुनो। मान लो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑल्दो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है बट फिर भी हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि इस कार्बन के अगर सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए जाएं, अब इस कार्बन एटम पे क्या चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं उस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारी कुछ ना हम मान के चलते हैं कि इसकी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, बाकी अदर एलिमेंट्स की कैलकुलेट करके, ठीक है। तो मान लो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, एक्सेप्ट अगर तुम्हारे पास हाइड्राइड हो, जहां पर भी हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन का कंपाउंड अगर मेटल के साथ बना होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर करते हैं, -1, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो उनकी हम कोशिश करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ले। मान लो हमारे पास एल्कली मेटल है ग्रुप नंबर 1 का, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेते हैं +1। मान लो एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेते हैं +2, ठीक है। जैसे मान लो नाइट्रोजन है तो जनरली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं -3, बट अगर नाइट्रोजन के साथ कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को नेगेटिव दे देंगे, नाइट्रोजन के हम पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये चीजें अगर सिंपल ऐसे कराऊंगी तो शायद समझ नहीं आएंगी। आई विल टेक 4-5 एग्जांपल्स, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज, ग्रुप नंबर 17 की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं, -1। ग्रुप नंबर 16 के कितने ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, -2। जैसे ऑक्सीजन की ऑक्साइड की -2 लेते हैं, जबकि परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 में होता है। सो अब हम देखते हैं, ये क्या हो गया, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया BeH2, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया BH3, मान लो मैंने लिख दिया CO2, मान लो मैंने लिख दिया H2SO4, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया ClF3। ये 5-6 एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें कराती हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी। BH2 में से बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, तो फॉर श्योर बेरिलियम का 2 होगा और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ऐसे लिख लो 2 × 2 + 2 × हाइड्रोजन = 0। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, -1, ठीक है। अनदर एग्जांपल, मान लो BH3 है तो बोरॉन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोरॉन, तो जिसकी निकालनी है उसको X मान लो, और 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन की +1, तो 0 कर दो ओवरऑल, तो X की वैल्यू आ गई -3। इतनी बात समझ आ गई। मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल है CO2, तो ऑक्सीजन की हमेशा क्या लेते हैं, -2, जनरली 90% ऑफ केसेस में -2 लेते हैं। तो अननोन की मान लो X +2 × -2 ओवरऑल इक्वल आ गई 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई +4, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया ClF3, इसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब ClF3 में से आधे बच्चे कहते हैं मैम Cl भी -1 है, F भी -1 है, नहीं, दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी फिक्स कर दो। तो फ्लोरीन की -1, क्लोरीन का हम निकाल लेंगे X +3 × -1 = 0, तो क्लोरीन की कितनी आ गई +3। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। जिन बच्चों को इतना फास्ट ट्रैक में कराने के बाद शायद ना समझ आया हो, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मैंने 45 डेज का क्रैश कोर्स करा रखा है वहां पर ये चीज बहुत डिटेल में 25-30 एग्जाम्पल्स के साथ कराई थी, वो वाला सेशन जरूर अटेंड कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और अ रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सुपर टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, सपोज वी हैव अ रिएक्शन 2 KMnO4 + 3 H2SO4 टू फॉर्म K2SO4, 2 MnSO4 + 3 वाटर + 5 ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पर लेटर से KMnO4 is acting as an oxidizing agent, KMnO4 की ऑक्सीडेशन हो रही है। By the way, कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन, KMnO4 is acting as oxidizing agent, मतलब KMnO4 की खुद की रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, KMnO4 में मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जो मेन एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो +7, और MnSO4 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो ये जो चेंज हुआ ना 7 से 2 का, ये उसका क्या हो जाता है, N फैक्टर। तो KMnO4 का N फैक्टर कितना हो गया 5। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ KMnO4 का इस रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना है, मोल कॉन्सेप्ट वाले फास्ट ट्रैक में मैंने इक्विवेलेंट वेट का समझाया था। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एक रिलेशन होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया, 7 से 2 में जा रहे हैं तो एन फैक्टर कितना है 5। मोलर मास जितना भी होगा KMnO4 का उसको 5 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी कमिंग एज योर इक्विवेलेंट, टोटल विल बी कमिंग एज इक्विवेलेंट वेट। इतनी बात समझ आ गई। मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछा होता, लेट अस से कौन सा एग्जाम्पल लिया जाए, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें लेके दिखाती हूँ, ठीक है। लेट अस टेक वन अनदर एग्जाम्पल जिससे इक्विवेलेंट वेट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Just give me one second. हाँ जी, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है Cr2O7 2- प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 Cr3+, ठीक है, प्लस 7 वाटर। मान लो दिस इज वन इक्वेशन विच इज गिवन टू अस। इस इक्वेशन में मैं तुमसे पूछ रही हूँ Cr2O7 2- का इक्विवेलेंट वेट निकालो। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट। तो देखो कैसे निकालते हैं। इतना तो सबको याद होगा मैम, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो अगर मैं इसका मोलर मास, इसका निकालना है तो इसका मोलर मास लिख लेना Cr2O7 2-, इसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, 2x - 14 = -2, x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो क्रोमियम कहाँ पर है, +6 में, और क्रोमियम जा कहाँ रहा है, +3 में। तो चेंज कितना हो गया, व्हाट इज द चेंज, चेंज मैग्नीट्यूड लेना है 3 में से 6 का, ओनली 3 मैग्नीट्यूड। बट ध्यान से देखो, इस पूरे स्पीशीज में कितने क्रोमियम एटम है, 2, तो टोटल चेंज कितना हो गया, 3 × 2 = 6, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 6। तो एन फैक्टर यहाँ पुट कर दो, सो दिस विल कम एज द इक्विवेलेंट मास ऑफ क्रोमियम Cr2O7 2-, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछा होता कि नहीं, मुझे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Cr3+ में इंटरेस्ट है, अब बताओ इक्विवेलेंट मास कितना। तो हम लेंगे मोलर मास ऑफ Cr3+ डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर ऑफ Cr3+। Cr3+ +3 से कहाँ गया, +6 में, तो चेंज सिर्फ 3 का ही आया, यहाँ 6 नहीं करनेंगे, तो यहाँ से लाइक दिस यू विल कैलकुलेट द आंसर। समझ आ गया। सो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो हमने क्लियर हो गया। डेफिनेशन भी सबको आई थिंक आती होगी कि कैसे इक्विवेलेंट वेट को निकाला जाता है। जो अभी मैंने इंग्लिश में, देसी लैंग्वेज में बोला, उसको इंग्लिश में यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो भाई साहब अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। नॉर्मैलिटी क्या होती है, मोल कॉन्सेप्ट में मैंने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब करा दिया था, यहाँ नॉर्मैलिटी सीख लेते हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। सिमिलरली नॉर्मैलिटी क्या होता है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस यहीं पर इक्विवेलेंट मास और मोलर मास का यूज आता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, यहाँ पे लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। गिवन मास सेम रहता है, अभी जो मैं तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकालना सिखा के आई हूँ ना, यहाँ से निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। तो कितना सब्सटेंस तुम्हें गिवन है, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, जैसे पिछली वाली स्लाइड में सिखाया था, ठीक है, और उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर दोगे, यू विल बी गेटिंग द नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई। आगे देखो, इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला मैंने सिखा दिया कैसे करना है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इक्विवेलेंट मास को कैसे लिखते हैं, अभी ये भी सिखाया था मैंने। सो गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। मैं तुम्हें एक फाइनल इक्वेशन बता देती हूँ, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स एन फैक्टर। रटने का तरीका बताती हूँ, अगर m को n में कन्वर्ट करना है तो छोटे n से मल्टीप्लाई कर दो, मोटे m को मोटे n में कन्वर्ट करने के लिए छोटे n से मल्टीप्लाई कर दो। सो mn इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब इक्विवेलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, ये मैं क्यों रिडॉक्स में तुम्हें पढ़ा रही हूँ, पता है रिडॉक्स में ऐसे ना टाइट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इसका इतना वॉल्यूम, इतना नॉर्मल है, बताओ इसका कितना वॉल्यूम यूज होगा अगर नॉर्मैलिटी इतनी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। या कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसके इतने इक्विवेलेंट्स ने इससे इतने इक्विवेलेंट से रिएक्शन किया, बताओ ये कितना बनेगा, लाइक दैट। उसमें मैं तुम्हें एक चीज सिखा देती हूँ, ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB टू फॉर्म MM प्लस NN, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा देती हूँ, बहुत सिंपल। इस रिएक्शन को तुम दो तरीकों से डिस्कस कर सकते हो। यू कैन डिस्कस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इन टू डिफरेंट वेज। ध्यान से देख लो, मान लो एक रिएक्शन है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B टू फॉर्म C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। मैंने अगली रिएक्शन ले लिया। इसको दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। पहला तरीका, मोल से खेलो। तो तुम क्या कहोगे, A mole of A will combine with B mole of B to form C mole of C plus D mole of D। और ये बात याद रखना, अगर किसी को मोल कॉन्सेप्ट से खेलना है, मतलब उसके लिए इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट में स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरूरी है। अगर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं है। लेटर से तुम्हें बैलेंसिंग नहीं आ रही है, यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस, तो चिंता की बात नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। मोल की जगह इक्विवेलेंट्स लिख दो, और जब इक्विवेलेंट्स लिखोगे तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भाई सब बर्बाद है, हमें उसका कोई काम नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंपल से दो इक्विवेलेंट्स, या ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए will be equal to number of equivalents of B will be equal to number of equivalents of C will be equal to number of equivalents of D। अब number of equivalents का क्या फॉर्मूला होता है, अच्छा ये पिछली वाले में भी अभी डिराइव कराया था। number of equivalents का फॉर्मूला होता है number of moles into n factor। A के will be equal to number of moles into n factor, B के will be equal to number of moles into n factor, C के will be equal to number of moles into n factor, D के। मतलब जिनके बारे में बात करनी है उनका उनका n factor ले लेना। और देखो मैं एक ही स्लाइड में सारी डेरिवेशंस करके दिखाती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं लिख सकती हूँ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर A का इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर B का विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर C का will be equal to molarity into volume into n factor d का। ये आगे समझ, यही टीचर्स ने सिखाया होगा m1 v1 n1 is equal to m2 v2 n2। अच्छा यहाँ से जिन बच्चों का दिमाग और चलने लग गया, ध्यान से देखना, molarity multiplied by n factor is nothing, m into n is nothing but normality, right? So यहाँ लिख दो ये इससे तो दिख नहीं रहा होगा, इससे लिख दो normality into volume of A will be equal to normality into volume of B will be equal to normality into volume of C will be equal to normality into volume of D। भाई साहब अगर redox से related कोई भी question आया, इस slide से ज्यादा एक इंच का concept नहीं चाहिए, पूरा का पूरा तुम सारा concept इसी में covered है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल question पूछ ले वो हम आंसर कर देंगे। All the SV atoms, I want you to be very very super clear with this particular topic। Question पता कैसे आता है, वो कहता है ए के 5 मोल्स हैं, है ना, एक रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, बताओ सी की कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, लाइक दिस। तो और तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालने हैं। इक्वेशन तुम्हें मेंशनड होगी, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एन फैक्टर निकालना आसान हो जाएगा, दोनों में एन फैक्टर रख दो, आंसर आ गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ना हमारे पास एक इक्वेशन है जहाँ ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहे हैं, वो कह रहा है बी की ना 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, 20 ml हमने लिया है और उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, बताओ डी के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। ही इज आस्किंग नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे। तो इसके लिए तो मैं ये यूज करूंगी क्योंकि मेरे पास मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है, एन फैक्टर में निकाल सकती हूँ। डी के उसने नंबर ऑफ मोल्स पूछे ना, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में चली जाऊंगी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर मेरे को आता है निकालना, नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल सकती हूँ, तो कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आंसर तो आ ही जाएगा। आ गया समझ यहाँ तक। जिनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से ही आई टोल्ड यू करा रखी है, तो वो प्रैक्टिस के बेस पे तुम कर सकते हो, ठीक है। और वो प्रैक्टिस मैंने 45 डेज क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा करा रखी है, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व कराए थे, तो वहां से कर लेना, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। दो तरीके से बैलेंसिंग कराई जाती है, एक होती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक होती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तुम्हें जिस तरीके से अच्छी लगे यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर तरीका, ठीक है। मैं तुम्हें दोनों के दोनों मेथड्स मैंने यहाँ लिखवा रखे हैं। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, उसके बेसिस पे हम ये सारी इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही इक्वेशन है, कहाँ गई है कि इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ले रखी थी, MnSO4 प्लस H2SO4 टू फॉर्म, ये भी पूरी नहीं कोई और ले लेते हैं, ओके, चलो एक इक्वेशन लेते हैं। यस, इक्वेशन है K2Cr2O7 प्लस Fe2 प्लस, इसको हमें कन्वर्ट करना है Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस में। वी हैव टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो देखो इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। दो मेथड है, पहले एक मेथड सिखाती हूँ। क्या करो, दो हाफ रिएक्शन अलग अलग कर दो। तो ये एक हाफ रिएक्शन हो गई, ये एक हाफ रिएक्शन हो गई, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। और मैं पोटेशियम वगैरह जो काउंटर आयन होते हैं ना, उनको हमें इग्नोर कर देना होता है, वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख दो Cr2O7 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 प्लस में। यहाँ लिख दो Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस में। मैं तुम्हें दोनों इक्वेशंस बैलेंस करना सिखाती हूँ। सबसे पहले एटम बैलेंस करो। यहाँ तो एक एक ही आयन है, दोनों बैलेंस्ड हैं, बाकी कुछ है नहीं, तो सिंपल चार्ज बैलेंस कर दो। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करके। यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज है, वहां तीन पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर दो। ये इक्वेशन बन गई, इसको डब्बे में रख लो, बैलेंस होगी ना। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर यहाँ करो। सबसे पहले मेन एटम को बैलेंस करो। यहाँ दो क्रोमियम है, तो यहाँ पर दो क्रोमियम लगा दो, कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ 7 ऑक्सीजन है, तो राइट हैंड साइड पे हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे ऐड करते हैं, बाय एडिंग वाटर। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो 7 वाटर ऐड कर दो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 14, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन ऐड कर देना इन द फॉर्म ऑफ H+, तो 14H+ हो गया। अब चार्ज बैलेंस करो। यहाँ पर देखना 14 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल यहाँ पर 12 पॉजिटिव है, जबकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ 6 पॉजिटिव है, मतलब हमें यहाँ पर 6 नेगेटिव डालने पड़ेंगे। सो यू कैन ऐड 6 इलेक्ट्रॉन, कर दिया, है ना। अब इसको भी डब्बे में एनक्लोज कर देते हैं, लेट अस पुट इट इन अ बॉक्स। ये हो गया। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे हैं उतने गेन भी होने चाहिए, ठीक है, या वाइस वर्सा। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। तो अब जब दोनों को तुम ऐड करोगे, बड़े ध्यान से देखना क्या बनेगा। 14H+, मैंने यहाँ लिख दिया 14H+, बहुत बढ़िया। Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड साइड पे है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है 6 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखना लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पर 6 पे Fe2+, अब ये बन जाएगा 6 पे Fe3+, यहाँ पर बन जाएगा 2 Cr3+, और यहाँ बन जाएगा 7 वाटर। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन बैलेंस द इक्वेशन। आगे समझ। Now let me do the same equation. इसी equation को हम balance करते हैं with the help of other method. तो देखो other method क्या है, Cr2O7 2 minus plus Fe2 plus किसमें convert हो रहा है, Fe3 plus plus Cr3 plus में। यहाँ पर तुम्हें दो half reaction बनानी जरूरी नहीं है, you do not have to form two half reaction, ठीक है। बस क्या करो, दो ऐसे क्रॉस बना लो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो चेंज कितने का हो रहा है, द टोटल चेंज इज ऑफ 1, यहाँ लिख लो 1। यहाँ पर देखना क्रोमियम है +6 में। भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना। इस मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर एक डब्बे के अंदर 2 ऐसे एटम्स है ना, तो सामने वाले को पहले से ही मल्टीप्लाई कराना, नहीं तो आंसर नहीं बनेगा। ये रिवीजन के टाइम पे इसलिए बता रही हूँ, बिकॉज बच्चे भूल जाते हैं, तो अभी से याद रख लेना। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 का, वहां है 3 का, तो एक क्रोमियम के लिए जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 3 का, बट हमारे पास तो ऐसे 2 क्रोमियम है, तो ओवरऑल जो चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 6 का। इतनी बात सबको समझ आ गई, द ओवरऑल चेंजेस फॉर 6, तो यहाँ पे 6 कर लिया हमने। अब यहाँ पर है नंबर 1, यहाँ पर है नंबर 6, अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना होता है। तो इक्वेट कैसे करेंगे, इसको तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ ऑलरेडी 1 लगा हुआ है, यहाँ 2 × 1 2 होगा, यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, इतना कर लिया। अब क्या करो, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7, अब राइट हैंड साइड पे 7 पानी ऐड कर दो। नाउ यू कैन ऐड 7 वाटर ऑन द राइट हैंड साइड, आ गया। अब यहाँ पर कितने वाटर है, कितने हाइड्रोजन है, 14, तो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन ऐड कर दो। दैट्स इट। सो दिस इज द मेथड विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ मैंने आज की क्लास में तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ एक एक बार विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 1-1 एग्जाम्पल सारी की सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करा दी है, एंड आई होप ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। सो जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थियरी समझनी है, तो जो मैंने 45 डेज का क्रैश कोर्स करा रखा है, यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर क्रैश कोर्स। अप्रैल के लिए बहुत टाइम है अभी, अगर कोई बच्चा बड़े ऑनेस्टली, ठीक है, बड़े डेडिकेशन के साथ उस 45 डेज को क्रैश कोर्स को अच्छे से कर लेता है, मैं लिख के दे सकती हूँ तुम्हारी परसेंटाइल में बहुत बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। इट इज माई गारंटी फॉर श्योर, तुम अच्छा कर लोगे अगर उस क्रैश कोर्स को देख कर जाते हो। ठीक है, चलो तो रिडॉक्स के लिए आज यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एंड नेक्स्ट जो क्लास होगी वहां पर वी विल बी कवरिंग हाइड्रोजन चैप्टर, उसकी भी डिटेल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, जाते जाते एक बार और बता देती हूँ, ठीक है, जो भी बच्चे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, यार इट इज वर्थ इट। मतलब जितने पैसे है ना उससे ज्यादा 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 कई गुना ज्यादा आउटपुट आएगा अगर यू आर गोइंग फॉर अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस और आइकॉनिक में एक बार डिफरेंस देख लो। जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं वो लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, उनको वीकली टेस्ट देने का मौका मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, मतलब प्रॉपर, जैसे मैंने अब मार्च में स्टार्ट कर दिया लेट्स से, ठीक है, तो वो नेक्स्ट मार्च तक पूरा का पूरा मेरे पास प्लान्ड है। ऐसे सारे टीचर्स एकदम प्लान कोर्सेज करवाते हैं और जितने भी टीचर्स हैं उनसे तुम पढ़ सकते हो। ये नहीं कि बस मैम से ही पढ़ोगे, एक ही केमिस्ट्री का टीचर है, बहुत सारे टीचर्स हैं, तुम्हें जिनके साथ ट्यूनिंग बैठती है तुम उनके साथ पढ़ सकते हो। ये सारे प्लस के फीचर्स हैं। आइकॉनिक में स्पेशल देखो क्या है, तुम्हें टीचर्स प्रॉपर स्टडी प्लानर प्रोवाइड करेंगे कि इस महीने इतना काम हो जाना चाहिए। नहीं तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, मैम सिलेबस लैग कर रहा है, मैम आधा साल हो गया सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले ही टीचर्स, पहले ही तुम्हारे जो पर्सनल गाइडेंस तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे जो कोच हैं, पर्सनल गाइड हैं, वो तुम्हें प्रॉपर स्टडी प्लानर बना के देंगे, है ना। जितने भी तुम्हारे टेस्ट होते हैं अनअकैडमी पे, उनकी एनालिसिस तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ी, जितने भी यहाँ पर वर्कशॉप्स होते हैं, एक्सपर्ट टीचर्स जो आते हैं वो तुम्हें गाइड कर सकते हैं, स्टडी मटीरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दीज आर द फीचर्स फॉर आइकॉनिक। Now, if you are interested to go for plus or if you are interested to go for iconic, use this code Sakshi Live. So once you use this code, पहली बात तो SV atom हो तो और ये code use करो तो मैम तो खुश हो ही जाएंगी। Plus you will get a 10% discount also. तो अपने आप में ये एक अच्छा सा reason है इस code को use करने का, ठीक है। चाहे plus लो या iconic लो, you will definitely get 10% discount. जो बच्चे मेरी special class attend करना चाहते हैं वो भी यही कोड यूज कर लेना, साक्षी लाइव, एंड यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल माय फ्री क्लासेस आल्सो, ठीक है, सारी फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो। एंड रही बात कि मैम आज कुछ आपने पढ़ाया लेट्स से, है ना, मैंने कुछ पढ़ाया, किसी को इस टॉपिक में कहीं पर भी डाउट आ गया, सो नीड नॉट वरी, यूज दिस आस्क अ डाउट फीचर ऑफ अनअकैडमी। डाउट की फोटो खींचो, स्निप करो एंड टीचर को अपलोड करके भेज दो, टीचर बहुत जल्दी से डाउट्स का आंसर कर देगा, ठीक है। कोड मैम का याद रखना है साक्षी लाइव, जहां पर भी लाइफ में जरूरत पड़े ठोको ये कोड एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर जो बच्चे स्कॉलरशिप चाहते हैं, ठीक है, एंड अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, हर संडे अनअकैडमी पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है विद द नेम यूसैट। सो आई वांट यू ऑल टू रजिस्टर एनरोल फॉर दैट एसएपी, बिकॉज फिर कोई दिक्कत नहीं होती ना यार, मतलब जब स्कॉलरशिप मिल रही है फिर तो तुम आराम से पढ़ाई कर ही सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट टू एवरी वीक अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने को मिलता है। सो ट्राई टू गो फॉर दिस थिंग, ठीक है। एंड मैं ये बोलती हूँ यार, अनअकैडमी कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं रहता व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। सो अगेन 14 मार्च से लेके 20 मार्च तक जेई मेन एंड एडवांस का एक बूट कैंप चल रहा है, सो जल्दी से रेडी हो जाओ इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। And these are the batches and these are the upcoming tests for the month of March. So make sure if you want to get notification for all these things, सबसे पहले you should be an SV atom, you should be a subscriber to this channel, ताकि जैसे ही कोई नया update आता है, कोई नया test, कोई नई scholarship, I will let you know ASAP on this particular channel, ठीक है। मैं वापस एक चीज बोलूँगी, यहाँ पर ना एक ऐसे subscribe का बटन होता है ना, ये subscribe का बटन, तो जब भी तुम ये सब्सक्राइब का बटन इस चैनल के लिए दबाते हो ना, यू डोंट बिकम अ सब्सक्राइबर, यू बिकम एन एसवी एटम, एंड इट रियली रियली गिव्स मी अ बहुत अच्छी सी फीलिंग जब यू नो इवन एक भी और एसवी एटम हमारे साथ जुड़ता है ना, आई रियली फील वेरी वेरी सैटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी। सो अगर तुम भी आज वो सब्सक्राइब का बटन दबाने वाले हो, सो वेलकम टू एसवी एटम्स फैमिली। थैंक यू सो मच, आई विल बी meeting you once again very soon. Take care. Bye-bye.